अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हम तुम फूड रेसिपीज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बना रही थी, और मैं बना रही थी आलू के पराठे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूं। बहुत आसान रेसिपी है, जिस जो जो चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आप नोट कर लें। एक मैंने आलू लिया है, उसको मैंने मैश कर लिया है बॉईल करके, और साथ में मैंने एक बिल्कुल छोटे साइज की बारीक प्याज लेके उसको बारीक काट लिया है। साथ में एक हाफ टी स्पून मैंने नमक का लिया है और हाफ टी स्पून मैंने लाल मिर्चों का लिया है। साथ में मैंने लिए हैं सब्ज धनिया और हरी मिर्ची, इन्हें मैंने बारीक काट लिया है। पेड़े मैंने लेके पहले से ही बना के रख लिए थे, छोटे छोटे से मैंने दो पेड़े लेने हैं। तो अब मैं इस रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। ऑयल में आपको बताना भूल गई थी, जाहिर सी बात है पराठा बना रहे हैं तो ऑयल का होना जरूरी है। ऑयल आपको जरूरत के मुताबिक लेना है। सबसे पहले हमने बॉयल मैश आलू में प्याज, हरा धनिया और नमक और लाल मिर्च डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं, बहुत मजेदार रेसिपी है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा इसको नाश्ते में। वैसे भी रमजान आ रहे हैं, सहरी में इसका मजा और ज्यादा आएगा। आलू हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये हम साइड पे रख लेंगे। अब जो हमने पेड़े बनाए थे ये आप देख लें, इसकी हम रोटी बना लेंगे। और इस पे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हाथ की मदद से ही पूरी रोटी पे लगा लेंगे। और इस रोटी को हम दूसरी प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह हम दूसरी रोटी को भी लेंगे। रोटी हमने बेल ली है, इस पे भी हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसको हम रोटी पे लगा लेंगे। और साथ ही में हम इस पे जो हमारे मैश आलू थे वो हम डाल लेंगे। पूरी रोटी पे इस तरीके से हम लगा लेंगे। तरीके से हमने आलू लगा लिया है, अब दूसरी रोटी जो हमने ली है उसको हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे और इसको हम किनारे दबा देंगे इसके, जिसको मैं पलट लूंगी। चूल्हे की आंच हमने पहले से जला के रखी है, तवा हमारा गर्म हो रहा है। बिल्कुल तरीके से तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको बिल्कुल आलू फिल करने के बाद इसको हमने बेलना नहीं है, सिर्फ हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा छानना है। और ये बिल्कुल उससे रोटी की शेप बन जाएगी। अब ये गर्म हो रही है, इसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद हम इसको पलटा लेंगे। इस तरीके
तरीके से, और इस पे हम ऑयल डाल लेंगे। एक सेकेंड के बाद दोबारा हम इसको पलटा लेंगे और दूसरे चम्मच की मदद से इसको हम इस तरह से करेंगे ताकि सारा ऑयल लग जाए। इसको दोबारा उठा लूंगी इस तरीके से। दरमियाने आंच पे इसको पकाना है इस तरीके से। थोड़ा सा प्रेस करूंगी मैं। अब इसको हम चेक करेंगे। एक साइड से हमारा कुक हो चुका है, हम दूसरी साइड से करेंगे। अब मैं इसको निकाल लूंगी प्लेट में। तो दोस्तों, पराठा गर्मा गर्म आलू का रेडी है आपके सामने। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।